तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने टाइम की कितनी खूबसूरत इमारत होगी। हाउ वाज द फूड हियर? अच्छा है सब। अच्छा है सब। अच्छा स्पेशली चाय। स्पेशली चाय। आई जस्ट कम फॉर चाय। ओह यू चाय। भाई देख सकते हैं ये जापान से सिर्फ और सिर्फ चाय के लिए आए हैं बिकॉज़ ही लव्स चाय। जी। दैट्स ग्रेट। यू नो ही इज फ्रॉम जापान। और जापानी तो हमेशा जवान ही रहते हैं। सही है ना? तो ये कोठी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे फरहत बख्श कोठी कहा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि एक बार नवाब सादत अली खान को बीमारी की वजह से यहाँ पे लाया गया था और उन्हें काफ़ी आराम मिला था यहाँ पे, वो ठीक हो गए थे, तो इसीलिए इस कोठी का नाम उन्होंने रखा फरहत बख्श कोठी, जहाँ पे आपको आराम मिलता है। आनंददायक कोठी है, लग्जीरियस कोठी इसे भी कहा जाता है। और इसे बनाया गया था इंडो इटालियन स्टाइल में और मकसद था कि ये बिल्कुल ठंडी कोठी रह सके। इस तरह से आप ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। इस कोठी का जो निर्माण था वो फ्रांसीसी जनरल क्लॉड मार्टिन के द्वारा 1781 में करवाया गया था। बाद में इस कोठी को नवाब सादत अली ख़ान ने ख़रीद लिया और वो इसे यूज़ करते थे और इनमें नवाबों की बेगम भी रहा करती थी। तो ये आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, कितना विशाल स्ट्रक्चर है, कितना खूबसूरत है। और ये सब जो देख रहे हैं इसे कहीं ना कहीं लखोरी ईंटों से बनाया गया है। लखोरी ईंटें और चूना पत्थर इसमें को बनाने में यूज़ की गई है और इन्हीं सब दीवारों से गोमती नदी का जो पानी है वो टकराता था और इस तरह से ये दीवारें ठंडी रहती थी। और आप छतों को देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वो फरहत बख्श कोठी है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे ना तो यही वो रास्ता है जो कि बेसमेंट तक जाता था, वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके अंदर जाना काफ़ी रिस्की है और ये इस तरह से सीढ़ियाँ घूमते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना डेंजरस है, ये सब कभी भी गिर सकता है यार। वाह ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका हूं। यहां से आप नीचे देख सकते हैं, मैंने नीचे से आपको दिखाया था, ऐसे ही कहा जाता है फरहत बख्श कोठी और वो है 76 मंजिल। मेनली नवाब सादत अली खान ने उसे अपनी माँ के लिए बनाया था क्योंकि उनकी माँ का नाम था 76 कवर, इसी नाम से इसे जाना जाता है 76 मंजिल। इस तरफ है गोमती रिवर और ये है नीचे जाने की सीढ़ियाँ जो काफ़ी जर्जर हालत में है। ये जो आप देख रहे हैं मे बी ये वॉच टावर होगा, यहाँ पे सिपाही खड़े होते होंगे और वो आने जाने वाले को देख रहे होंगे। यहाँ पे हथियार वगैरह भी लोग रखते होंगे, तीर कमान वगैरह वगैरह। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये भी ऐसा लगता है वॉच टावर ही होगा। ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का अंतिम छोर है, ये देखिए यहाँ से बिल्डिंग समाप्त हो जाती है और वो है मेन वॉच टावर, परहैप्स वो मेन वॉच टावर है। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने टाइम की कितनी खूबसूरत इमारत होगी। नमस्ते। नमस्ते। कोनिचिवा। हाँ थैंक यू। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी हमारे फ्रेंड हैं, ही इज़ फ्रॉम जापान राइट? हाँ। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? हामा। हामा। So you have come to India for visiting. Ji. What would you like to speak about India? Speak India? Haan, about India. Khana? Food? How was the food here? Acha hai sab. Acha hai sab. Acha. Especially chai. Especially chai. Yeah, yeah. I just come for chai. Oh, you come for chai. भाई देख सकते हैं ये जापान से सिर्फ और सिर्फ चाय के लिए आए हैं because he loves chai. Ji. That's good. You did not get chai in your Japan?
I can get, but the taste of chai is different. That is an English chai. Yeah, English chai. Also, Indian chai. आजकल तो है मगर अलग है. महंगा है. Sayonara. That means? Bye bye. Sayonara. That means bye bye in Japan. Sayonara. Okay. So, bhai, I have a friend Hama. He is supporting me to go there. ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल बेसमेंट में आ चुका हूँ. और इधर देखिए, सी फ्रॉम दिस वे व्हाट इज दिस. ओ वाह, सी द पिलर. एंड व्हाट इज दैट ओवर देयर, ये देख सकते हैं आप. ओ वी आर नॉट इन द बेसमेंट. दिस इज वन मोर बेसमेंट यहाँ पे है ना. Going outside. Yeah, do you know that is the basement. Wow, that is the basement which has been packed by the government for the safety because it may be down also. Oh, ye dekh sakte hain aap. Oh, why it is. Okay, come back. Let's go on the top. Come. तो भाई मैं छोटा बड़ा मैं इस बार हामा के साथ में चल रहा हूँ. या कीप वॉकिंग. यस टिल देन यू रीच द लास्ट. यहाँ देख सकते हैं माई फ्रेंड हामा, ही इज 48 ईयर्स ओल्ड बट ही इज नॉट टायर्ड. आई एम टायर्ड सो बट ही इज यंग. यू नो ही इज फ्रॉम जापान और जापानीज तो हमेशा जवान ही रहते हैं. सही है ना. आप यहाँ से देख सकते हैं वो आपको नौका दिख जाएगी. वो नौका ये आप देख सकते हैं, ये है गोमती का किनारा और परहैप्स वहाँ पे रानियाँ वगैरह बैठा करती होंगी. यहाँ से सामने गोमती का नज़ारा लेने के. और ये आप देख रहे हैं फरहत बख्श कोठी का फर्स्ट फ्लोर. और ये भी अपने टाइम में कितना खूबसूरत रहा होगा ये आप देख सकते हैं, बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो दोस्तों ये थी लखनऊ की 76 मंजिल और साथ ही साथ फरहत बख्श कोठी. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पर AK वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें. और आपको मैं पूरा इंडिया के साथ साथ में इंटरनेशनल टूर भी दिखाने वाला हूँ. तो चलिए मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में. तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय.